भोपाल संभाग में हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले पर्व मोहर्रम पर राजधानी भोपाल में इस बार कोरोना संकट की वजह से रौनक नजर नहीं आ रही। मोहर्रम पर शहर में बनने वाले तरह तरह के ताजिया भी इस बार गाइडलाइन में सिमट कर रह गए हैं। ताजिया बनाने को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के तहत ही इस बार पर्व मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में राजधानी भोपाल के बुधवारा में भी किन्नर पल्लवी गुरु ने अपनी आस्था के चलते ताजिया बनवाया है। पल्लवी ने बताया कि मोहर्रम पर्व को देखते हुए वह 8 माह पूर्व से ही ताजिया का निर्माण शुरू कर देते हैं और इस बार भी उन्होंने बड़ा ताजिया बनाया था, मगर शासन के अनुमति नहीं मिलने की स्थिति में उन्होंने तत्काल छोटे ताजिया का निर्माण करवाया है। मालूम हो कि किन्नर समाज के ये लोग सालों से राजधानी में ताजियों का निर्माण कर रहे हैं, मगर इस बार अनुमति नहीं मिलने के चलते इनकी आस्था को भी ठेस पहुँच रही है। दूसरी ओर किन्नरों के द्वारा सालों से चली आ रही बड़ा ताजिया बनाने की परंपरा भी इस बार कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते टूटते हुए नजर आ रही है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। पल्लवी बुधवारा भोपाल से। जी पल्लवी जी, हम ताजिया बनाए जी, अर्जेंट में ताजिया बनाए जी, अर्जेंट में नहीं बनाए। हमारे तो 8 महीने पहले ताजिया बनना चालू हो जाता है और हर साल बनता है। हमारे तैयार है बड़ा ताजिया, 8 महीने से बन रहा था, बन चुका था, अब आ चुका है घर में। और ये छोटा फिर अभी हमें तुरंत तत्काल में 1 महीना भर के अंदर बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? ये प्रशासन और TI साहब और CM VM सब इन बड़े लोगों का कहना है कि बोले कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप लोग इसको मतलब घर में ही रखना, विसर्जित नहीं करना इसका, मतलब ठंडा नहीं करना इसको। इस वजह से हमें बोले जुलूस नहीं निकालना। चलो जुलूस नहीं निकालते, बनाते तो हर साल है, लेकिन उसको विसर्जन ये ठंडा तो हमें करना ही पड़ता। तो हमने कहा इसको हम ठंडा करेंगे, तो बोलने लगे नहीं आप ऐसा मत करो। तो हमने सोचा कि चलो अच्छी बात है, कानून के और प्रशासन के साथ हम लोग हैं, इसलिए देश के साथ है, दुनिया के साथ है हम भी। तो हमने उन लोगों का कहना मानते हुए हमने ये फिर छोटी इमारत, छोटा ताजिया, इसको ही ठंडा करेंगे, इसी के लिए ये बनाया हमने। नुकसान तो कुछ नहीं, खैर आस्था में तो कोई नुकसान और फ़ायदा होता नहीं है ना, कोई इसमें हमें कुछ मिलता नहीं है। ये तो हम अपने बुजुर्ग अगले बनाते आए हैं और इसको ठंडा करते आए हैं, तो इसमें हम नुकसान और फ़ायदा तो नहीं देखते। हमें कोई फ़ायदा ये नुकसान के लिए नहीं बनाते, ये तो आस्था के लिए बनाते हम लोग। चांदी का ताजिया बनाते हैं आप? जी। कितनी मेहनत लगती है? कहाँ से कारीगर आते हैं? बाहर से ही आते कारीगर तो, और ज़्यादातर बाहर से ही बन के आता है। और चांदी के नाम से हमारे भोपाल में पूरे में मतलब बुधवारे का ताजिया कहलाता है, लेकिन फिलहाल चांदी नहीं होती है इसमें। ये तो मतलब इस टाइप से बनाया जाता है कि हाँ चांदी की परत से बनाया जाता है, लेकिन विसर्जन हो जाता है इसका, ठंडा हो जाता है। इस बार कैसा, क्या सोचना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो आप लोगों को, दूसरे लोगों को? इस बार ऐसा है कि अब जो कोरोना और ये सभी चल रहा है, इस वजह से जिस टाइप से हमसे किया जा रहा है, जैसे हम सबके साथ जो हो रही है वही हमारे साथ हो रही है। हम कोई अलग नहीं दुनिया से, देश से, इंडिया से कोई हम अलग नहीं है। जो सबके साथ हो रही है वही हमारे साथ हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।